ललित नागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दो साल पहले भी रानी नागर ने यह मुद्दा उठाया था, लेकिन तब भी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की थी। अब भी करीब दो हफ्ते पहले रानी ने अपने ट्विटर और फेसबुक पर जानकारी दी थी कि वह दूसरा फेज का लॉकडाउन खत्म होने के बाद अपना इस्तीफा देंगी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने उनसे बात करने की और उनकी शिकायत सुनने की जहमत नहीं उठाई, जिसका नतीजा यह हुआ कि रानी ने इस्तीफा दे दिया। पिछले दो वर्ष से आईएएस रानी नागर, जो कि चंडीगढ़ में पोस्टेड हैं, एक उनके सीनियर आईएएस के साथ विवाद चल रहा है, और पिछले 15 दिन से तो वो विवाद इतना बढ़ गया कि खुद रानी नागर ने अपने ट्विटर पे, अपने फेसबुक पे ये लिखा कि मेरे साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, मुझे कहीं ना कहीं जान का भी खतरा है, अपहरण का खतरा है। अगर मेरी ये सब बातें नहीं सुनी गई या इसके ऊपर नहीं कोई निर्णय लिया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। 15 दिन कहने के बावजूद भी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये उचित नहीं समझा कि दोनों आईएएस को बुलाकर इस विवाद के बात करके और इसको ख़त्म किया जाए, या जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और कहीं ना कहीं रानी नागर जी से भी बुलाकर ये पूछा जाए कि भाई आप किस चीज़ से परेशान हैं, क्यों रिज़ाइन करना चाहती हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आईएएस बनना कोई आसान नहीं है, और बेटियों के लिए खासकर मैं समझ सकता हूँ कि उसके ऊपर इतना मानसिक दबाव बन गया था, उत्पीड़न का, यौन शोषण का, जान के खतरे का, कि उसने ये उचित समझा कि मैं रिज़ाइन ही कर दूं। नहीं तो कोई भी आईएएस बनने के बाद रिज़ाइन नहीं करता। और जहां हरियाणा प्रदेश के शहर पानीपत में पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रैली के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया था, आज वो नारा मैं पूछना चाहता हूं कहां है। एक आईएएस लड़की, गुर्जर बिरादरी से बेटी, और जो पिछड़ा वर्ग की बेटी है, उसको आज इतना लाचार होना पड़ा, मजबूर होना पड़ रहा है कि वो रिज़ाइन करनी कर रही है, तो कहाँ गया वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। आपने अभी कहा कि यौन उत्पीड़न का मामला है, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि दोनों आईएएस को बुला के बीच उनका समझौता, यस, पहले एक बार बिठा के बात करना चाहिए, और जो दोषी हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। एक मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि जो आज इस्तीफा दिया गया है, ये कोई मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया गया, दबाव के कारण इस्तीफा दिया गया है। ये इस्तीफा मुख्यमंत्री जी और यह जो आईएएस एसोसिएशन है इनकी, वो इस इस्तीफा को मंजूर ना करें और बिठाकर और इस विवाद पे इसका निपटारा करवाया जाए। अभी तक क्या किसी कोई शिकायत दी गई थी रानी नागर द्वारा सीएम को या चीफ सेक्रेटरी को? पिछले दिनों उन्होंने कोर्ट के अंदर भी और पुलिस में शिकायत भी दी है, और पर्टिकुलर एक आईएएस के नाम से दिया गया है, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि आज तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। कोई मुख्यमंत्री को लेटर लिखा? मैंने एक अपने मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को लेटर भी लिखा है, और इस पर लिखा है कि इसके अंदर जो आज इस्तीफा दिया गया है, ये मर्जी से नहीं दिया गया, ये यौन शोषण, शोषण उत्पीड़न के कारण, जान से खतरे के कारण, सुरक्षा मुहैया ना कराने के कारण इस्तीफा दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है कि इस इस्तीफा को मंजूर ना किया जाए। ललित नागर ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, यही कारण है कि कुछ समय पूर्व एक सीनियर आईएएस की बेटी को एक बीजेपी के बड़े नेता के बेटे द्वारा छेड़ने का मामला भी सामने आया था। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में आकर ही प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन हरियाणा में बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा है कि जब बाय नेम शिकायत दी गई, उसके बावजूद भी कोई जाँच तक नहीं बिठाई गई। उन्होंने सरकार से अपील की है कि रानी का इस्तीफा तुरंत नामंजूर करें, इस मामले की जांच कराकर मामले का निपटारा किया जाए। कि जब एक आईएएस बेटी सुरक्षित नहीं है, तो आम गरीब की बेटी, जनता की बेटी कैसे सुरक्षित होगी?
आने वाले भविष्य में हमारी बहन और हमारी बेटियां कैसे नौकरी करने के लिए निकलेंगी, कैसे सोचेंगी कि हम कहीं घर से बाहर निकलें, क्योंकि जब हरियाणा प्रदेश में आईएएस बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम बेटियों का क्या हाल होगा। पिछले दिनों एक आईएएस से बीएस उनकी बेटी से बीजेपी के नेता के बेटे ने पिछले दिनों भी एक आईएएस की बेटी को हरियाणा प्रदेश के एक बड़े नेता के बेटे ही छेड़ रहे हैं सड़क के ऊपर, क्या हाल बना रखा है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और जो दोषी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ललित जी, क्या कारण मानते हैं कि महिला आईएएस की सुरक्षा को लेकर इतना लाइटली ले रही है हरियाणा सरकार, जबकि बार बार जो है सोशल मीडिया के यही तो देखने वाली बात है कि एक महिला, एक बेटी अपने अकाउंट पे, फेसबुक पे, अपने ट्विटर के माध्यम से यौन उत्पीड़न का, शोषण का, जान से खतरे का आरोप लगा रही है और फिर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि शायद जिनके घरों में बेटियाँ नहीं हैं, जिनके बेटी नहीं है, उनके बेटी का दर्द का क्या मालूम। अगर बेटी होती उनके तो उनको दर्द का भी मालूम होता।